आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया बड़ी पुलाव। इसके लिए मैंने ये 2 कप पके हुए चावल लिए हैं, 1 कप सोया बड़ी है भीगी हुई, 2 टमाटर कटे हुए बारीक कटे हुए, और 2 प्याज बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच सेजवान चटनी, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ये 2 चम्मच टोमेटो केचप, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और ये जीरा और तेज़पत्ता, और ये बारीक कटी हुई हरी धनिया, ये 3 चम्मच तेल है, ये गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा और तेज़पत्ता डालेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे कटा हुआ, इसको फ्राई करेंगे। ये हमारा प्याज अब फ्राई हो चुका है, इसमें अब टमाटर डालेंगे। इसमें लहसुन और अदरक का भी पेस्ट डाल देंगे। इसको भूनेंगे टमाटर गलने तक। अभी हमारा टमाटर गल गया है, इसमें मसाले डालेंगे, ये हरा मिर्च, ये हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये नमक, और इसमें ये टमाटर केचप भी डाल देंगे। और ये सेजवान चटनी भी, गरम मसाला बाद में पक जाएगा उसके बाद डालेंगे मसाला भूनने के बाद। अब ये हमारा मसाला बन गया, इसमें ये गरम मसाला और ये सोया बड़ी डाल के इसको हम थोड़ा सा मसाला मिक्स होने तक पकाएंगे। अब ये हमारी सोया बड़ी में सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें ये चावल मिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम पूरा मिक्स कर देंगे। अब हमारा ये सब मिक्स हो गया है, सोया बड़ी बन के हमारा सोया बड़ी पुलाव बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। ये मेरा सोया बड़ी बनकर पुलाव बनकर तैयार है, इसे आप बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।